फाइनली किसी ने सुन ली बजट गेमर्स की, क्योंकि इन्फिनिक्स लेके आ रहा है फुली लोडेड गेमिंग डिवाइस इन्फिनिक्स GT10 Pro। So, इसमें आपको मिलता है सबसे पहले कवर, इसके बाद आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है टेम्पर्ड ग्लास, इन्फिनिक्स का 45 वॉट का चार्जर और यहाँ इंटरेस्टिंग है केबल है बट टाइप सी भी है बट एल टाइप है, बोले तो आपको गेमिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। यार डिवाइस को एक मिनट रखते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, मतलब मोबाइल निकल गया, अब इसके अंदर क्या है। ओके, इसके अंदर है, हमें मिल रहा है कार्बन केवलर बॉक्स, यूनिवर्सल शोल्डर ट्रिगर्स एंड गेमिंग फिंगर स्लीव्स। सो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं ट्रिगर्स और ये पाउच मिल रहा है, इसके अंदर क्या देखते हैं। ये है हमारे ट्रिगर्स और ये इंटरेस्टिंग सा पाउच, ये अनबॉक्सिंग एक क्रेजी हो रखी है। ओ, एक और बॉक्स निकला। ओके, यहाँ है आपका फिंगर स्लीव्स, गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाला है यहाँ पे, और सेटअप गाइड भी दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट्स गुड, काफी इंटरेस्टिंग है। सो अभी हम ये सब चीजों को साइड हटाते हैं और मोबाइल पे आते हैं। सो ये है हमारा GT10 Pro। सो डिजाइन के मामले में काफी यूनिक लग रहा है, गेमिंग वाला तो पक्का लग रहा है क्योंकि ये साइबर मैका डिजाइन बोल रहे हैं इन्फिनिक्स वाले, और इस वेरिएंट का नाम है साइबर ब्लैक, और ये जो आपका इफेक्ट है ये डिफरेंट है, मिनी LED अभी बचा है, वेट। सो ये आपको जो मोबाइल का बॉक्स है उसी में मिलता है इंटीग्रेटेड, और यहाँ पे आप लगा के एम्पलीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका स्पीकर की तरह आपको लगता है लेकिन एक्चुअल में स्पीकर नहीं है, बस एम्पलीफाई कर रहा है आपके साउंड को। इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले विद 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। इसमें आपको मिलता है XOS 13.1 बेस्ड ऑन Android 13 एंड साथ ही साथ कंपनी प्रॉमिस की है कि कोई ब्लोटवेयर और कोई एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, साथ साथ 1 ईयर का एंड्रॉइड अपग्रेड और 2 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच आपको मिलने वाला है। पावर के लिए इसमें मिलता है आपको MediaTek Dimensity 8050 और LPDDR4X RAM 8GB का, और साथ साथ 8GB का VRAM भी मिलता है, 256GB का स्टोरेज वो भी UFS 3.1। उसके बाद आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है जिसमें आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बहुत ही कमाल एंड पावरफुल लग रहा है फोन। गेमिंग की बात करें ना तो इसमें आपको वेपर चेंबर कूलिंग 11 लेयर का मिल रहा है एंड साथ साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स। सो यहाँ पे आपको मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक, इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है एंड साथ साथ चार्जिंग में आपको PD 3.0 सपोर्ट करता है एंड बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो मतलब आप गेम खेलते खेलते बैटरी चार्ज नहीं होगी लेकिन आपके फोन में डायरेक्ट करंट से आप गेम खेल सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें कि मेन कैमरा है आपका 108 मेगापिक्सल का। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा मिल रहा है। सो गेमर भाई लोगों, कैसा लगा ये फोन जरूर से बताना मुझे कमेंट्स में, और हाँ दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, चला मैं गेम खेल रहा।